बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुजीबुल हबीब और आप देख रहे हैं मुबीन हेल्थ टीवी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भी सेहत से ही रिलेटेड है और ये वीडियो भी एक बहुत ही अहम मसले के बारे में है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी उन लोगों के लिए है जो कि अक्सर अपने बालों को कलर वगैरह लगाते हैं, यानी कि अपने बालों को काला करने के लिए कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये हेयर कलर जो कि हम मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ ब्रांड में आते हैं, ये मुख्तलिफ केमिकल से तैयार किए जाते हैं। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम इस कलर का इस्तेमाल करें अपने जिस्म के किसी और हिस्से पर कर लें कि और ये देखें कि ये हमें कहीं रिएक्शन तो नहीं कर रहा। अक्सर देखा गया है कि जब लोग इस कलर का इस्तेमाल अपने बालों पर कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन होता है, जिससे जल्द की मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। यानी ये बात उन लोगों को भी पता नहीं होती कि हमारे सर में जो दाने बनना शुरू हो गए हैं ये उस कलर की वजह से हैं, क्योंकि इन कलर में बहुत ही तेज़ किस्म के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि जल्द की एलर्जी का बायस बनते हैं। वो दाने सर में भी बन सकते हैं और आपके जिस्म पर भी एलर्जी हो सकती है। और इसी दौरान हम एक और बहुत ही अहम काम सर अंजाम देते हैं जो कि हम अपनी नाक के नीचे मूछों के ऊपर उस कलर का इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन 2-3 घंटे उसे लगा रहने देते हैं। तो दोस्तों, आप ये देखें कि अगर हम कलर उस जगह कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारी सांस के साथ हमारे लंग्स में सीधा सराइयत कर रहा है और वो बहुत तेज़ ही केमिकल होते हैं जो कि हमारे सांस के साथ हमारे लंग्स में जा रहा है और हमें ये मालूम ही नहीं होता कि ये इतना तेज़ केमिकल हमारे लंग्स में यानी फेफड़ों में इन्फेक्शन का बायस बन रहा है। और हम ये अमल 1 माह 2 माह और 3 माह बाद बार बार दोहराते हैं और हमें मालूम ही नहीं होता कि ये हमारे लिए बहुत सी परेशानियों का बायस बन रहा है। और शायद अगर आप भी कलर इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि कलर इस्तेमाल करने के बाद आपको अक्सर ख़ारिश शुरू हो जाती है, जिस्म पर ख़ारिश या एलर्जी शुरू हो जाती है या आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाती है। तो दोस्तों, उसकी अहम वजह ही ये है कि वो कलर हमारे जिल्द पर रिएक्शन कर रहा है और बाज़ दफ़ा तो देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन होती है जिसकी वजह से जिल्द की बहुत सी बीमारी। तो दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो या इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये हमने किस लिए वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कलर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि वो एहतियात कर सकें और किसी ऐसे अच्छे और ब्रांडेड कलर का इस्तेमाल करें जो कि उनकी सेहत के लिए ख़तरनाक ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ।